प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार सोएब चौधरी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि शांति दूतों को उधेड़ के रख देंगी और खासकर बात करेंगी बदायूं केस पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपको बताना चाहूंगी शोएब, कुछ साल पहले ट्विंकल नाम की एक छोटी सी बच्ची थी, जिसको काटा गया था बोटियों में। इस्लामिक प्रीचर थे जाहिद और असलम, जिन्होंने काटा था अलीगढ़ के, यूपी उत्तर प्रदेश का ही ये था। इसकी पहले आंखें निकाली गई थी, फिर दाहिना हाथ काटा गया था, फिर बायां पैर काटा गया था, फिर रिब्स की एक एक हड्डियां निकाली गई थी, और फिर इसका नाक काट दिया गया था। ये है वो बच्ची। इसका गुनाह क्या था आपको पता है शोएब? इसका गुनाह था क्योंकि ये हिंदू है। ये इस बच्ची का गुनाह था क्योंकि ये हिंदू है। और है, अभी आप घबराइए नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि भारत बहुत डेंजरस है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। एनसीआरबी रिपोर्ट बना रही है कि 95% रेप केसेस जो है वो मुसलमान मर्द करते हैं। इस साल का रिपोर्ट है कि 84,334 बलात्कार हुए हैं, जिसमें विक्टिम हिंदू बेटियां हैं और रेप करने वाला मुसलमान है। लास्ट ईयर है 81,000 रेप हुआ है, जिसमें 96% रेप जो है वो मुसलमान लड़कों ने किया है, और सारी की सारी विक्टिम जो है वो हिंदू बेटियां हैं। सारी की सारी विक्टिम हिंदू बेटियां। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मासूम 6 साल के बच्चे को बोटियां करना, ये मासूम 11 साल के बच्चे को बोटियां करना, और छोटे छोटे बच्चों का कलेजा निकालना, ये कौन सा इस्लाम का प्रचार हो रहा है? ये कैसे इस्लाम का प्रचार हो रहा है? अब इसमें दो बातें हैं। एक बात है कि साजिद और जावेद, ये लोग जिहाद के नाम पर, इन्होंने काफिरों का रमजान के मुबारक महीने में काफिरों का गला काटा है ताकि इनको 72 वर्जिन हो रहे और जन्नत का दरवाजा खुल जाए। और दूसरा, साजिद की बीवी ने खुद पुष्टिकरण किया है, अपना स्टेटमेंट दिया है, मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये साजिद ने जो बोला है झूठ बोला है, पैसा लेने के लिए और उस घर में एंटर करने के लिए, और वो प्रेग्नेंट हुई थी पर वो बच्चा मर गया था। तो किसी पीर बाबा और तावीज बाबा के पास वो अक्सर जाया करता था। ये साजिद की खुद की दादी ने एक्सेप्ट किया है कि वो पीर बाबा और फकीर बाबा के पास जाया करता था। तो दो हिंदू बच्चे की कुर्बानी दे करके साजिद अपने घर पर बच्चा पैदा करना चाहता था अपनी बीवी के पेट से। ये कौन सा इस्लाम है शोएब? कौन सा इस्लाम है? आप बोलते हैं ना कि आप बहुत ब्लंट बोलती हैं, आप बहुत गुस्से में आ जाती हैं, आप बहुत हार्श बोलती हैं। आपके आपके सामने अगर 6 साल के बच्चे का कोई बोटी करेगा आपको कैसा लगेगा शोएब? आपके आपके सामने 11 साल के बच्चे का कोई बोटी करेगा आपको कैसा लगेगा शोएब? आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत सारे तथ्य दिए थे लास्ट सेशन में। अहमदाबाद में टेररिज्म अटैक हुआ था 38 मुसलमानों को बचाने के लिए, जो जिन्होंने अटैक किया था रंगे हाथ उनको अरेस्ट किया गया था, उनको बचाने के लिए जमायतुल उलमाए हिंद उतरा था। उसके बाद कमलेश तिवारी को जब दर्दनाक मौत दी गई और 5 मुसलमानों ने किया उसके गर्दन काटे, तब भी जमायतुल उलमाए हिंद उसके लिए उतर गया था। अफजल गुरु, जिसने हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसके उसके उसको बचाने के लिए भारत के मुसलमान उतरे थे, और अवेसी भी उतरा था। अवेसी ने इसी विंटर सेशन में पार्लियामेंट के अंदर कहा कि अवेसी जैसा अगर 20 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो अफजल गुरु मरता नहीं। आप सोचिए कांग्रेस कितना घिनौना पार्टी है, कितना गंद मचाने वाला पार्टी है, कि यासीन मलिक, जिसने कश्मीरी बेटियों के पजामे खोले, पंडित की बेटियों के पजामे खोले, वो यासीन मलिक के साथ कौन डिनर करता था? भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डिनर करता था। अब्दुल्ला और मुफ्ती को पावर दे करके क्या किया कांग्रेस ने? पूरे कश्मीरी पंडितों को वहां से उजाड़ा, और सिर्फ उजाड़ा नहीं, साथ साथ उनके साथ अश्लीलता का नंगा नाच करवाया। खड़े
खड़े बाजार में वहां पर एयरफोर्स ऑफिसर को गोली मार दी जाती थी। 6-6 साल की बच्चियों को कंधे पे उठाता था लश्कर-ए-तैयबा और यासिन मलिक और नंबर लगाता था। आप सोचिए कि कैसे अवेसी कबूतर भेजता है पाकिस्तान और कहता है कि भारत में मुसलमान बहुत बहुत सिसके हुए हैं, भारत के मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। ये है ना झूठ, है कि नहीं झूठ? नादिया जी, अब तो बकायदा तौर पे वीडियोस भी सोशल मीडिया के आने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी रियलिटी सामने आने लगी है। अब तो इवन इंडिया के बहुत से मुस्लिम हैं जो बकायदा तौर पे खुद वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे बिल्कुल महफूज हैं। और इवन मैंने जब यूएई का विजिट किया, वहां पे बहुत से इंडियन मुस्लिम से जब बात की, उन्होंने बोला कि भाई ये जो कंसेप्ट आपको बताया जाता है कि जुल्म होता है जी हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पे कोई इश्यू होता भी है तो वो आपस में दो पार्टीज का, दो ग्रुप का मैटर होता है जिसे कि हिंदू मुस्लिम में दिया जाता है। लेकिन अभी से पहले तक नाजिया जी जब बहुत सख्त अल्फाज यूज करती थी तो मैं ये कहता था, नाजिया जी आप देखें, आप मुसलमानों के हवाले से ऐसे बात करती हैं, जबकि एक कोई भी इंसान, कोई भी बल्कि जानदार जो किसी दूसरे इंसान की जान लेता है, मेरे ख्याल से उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देने से कि भाई कोई भी इंसान किसी दूसरे की जान लेता है तो उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं, ऐसे जान नहीं छूटेगी, ऐसे बात खत्म नहीं होगी। हमें ये देखने की जरूरत है कि कौन से लोग, कौन सी कम्युनिटी के लोग ज्यादा इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और क्यों इन्वॉल्व हैं। और अभी भी तुम सुनो, मैं तुमको पूरी जिम्मेदारी से बता रही हूँ और गूगल में सर्च करो, वो छोटा सा बच्चा जिसका हाथ कटा हुआ है, जो हॉस्पिटल से आया है, जब उससे मीडिया पूछ रही है और पुलिस उसका बयान ले रही है, तो वो कह रहा है साजिद भैया पानी मांगे थे, भैया कह रहा है, जावेद भैया पानी मांगे थे, भैया कह रहा है। ये जो मुसलमान है ना, ये दीन ईमान वाले नहीं है, ये मोमिन और मोमिनात नहीं है, ये अशरफुल मखलूकात नहीं है, ये सुन्नते रसूल नहीं मान रहे हैं। और कैसे नहीं मान रहे हैं उसके मैं उसका मैं मिसाल दे देती हूँ। 1665 में पहली बार औरंगजेब ने भारत में होली और दिवाली बंद करवाई थी। 1666 में यमुना के घाटों पर औरंगजेब ने अंतिम संस्कार हिंदुओं का बंद करवाया था। 1666 में केशव मंदिर के सभी दीवारों को तोड़ने का और खत्म करने का फरमान दिया था। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों और पाठशाला और गुरुकुल को बंद करवाने का फरमान दिया था और 7 दिन का वक्त दिया था कि सब बंद हो जाना चाहिए। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ा और खास फरमान दिया कि जितनी भी मूर्तियां हैं सब में आग लगा दो। औरंगजेब और उसके पूरे सिपा सालार और उसके पूरे पूरी रियायत ने वो सारे हीरा जवाहरात को लूटे और जो छोटी बड़ी मूर्तियां बची उसको बेगम साहेब मस्जिद के सीढ़ियों पर लगाया गया ताकि नमाजी उन मूर्तियों पर चढ़ करके आना जाना करें। कौन है? हम औरंगजेब के सुन्नतों पर चलते हैं क्या? हम मुसलमान औरंगजेब के सुन्नत पर चलेंगे या प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत पर चलेंगे? हम औरंगजेब के कहे हुए बातों पर चलेंगे मुसलमान, या हम अल-कुरान पर चलेंगे? किस पर चलेंगे? अब बात आती है, अब मैं बोलना चाहूंगी और आज मुझे रोकना। अगर अल-कुरान पर चलते हैं तो सही बात है। सूरह अल-अन्बिया वर्सेस 63, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बुतों को तोड़ रहे थे तो वही मुसलमान कर रहे हैं। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 151, वी शैल कास्ट ट्रेटर इनटू द हर्ट ऑफ दोज हु डिसबिलीवर ऑल नॉन मुस्लिम्स। ये तो भाई सूरह बोल रहा है अल-कुरान का कि मारो, पकड़ो, धरो और काटो। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 191, एंड किल देम नॉन मुस्लिम्स वेयर एवर यू फाइंड देम। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, देन किल द डिसबिलीवर नॉन मुस्लिम वेयर एवर यू फाइंड देम, कैप्चर देम एंड बिसीज देम एंड लाई इन वेट फॉर देम इन ईच एंड एवरी एम्बुश। चलिए अब आपके अरबी में सुना देती हूँ मैं ताकि जी बिल्कुल, लोगों मतलब को। ठीक नहीं, सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 191, व अक्तलूहुम हैसो सफिक्तुमुहुम व अखरजूहुम व हैसो व अखरजूकुम kill them wherever you find them, such is the reward of the disbeliever। क्यों मैं कैसे मानूं कि ये कुरान सच है? 1939 में पहली बार कुरान प्रिंट हुआ था। मैं क्यों ना मानूं कि इसको वॉयलेंस बनाया गया है, इसमें वॉयलेंस डाला गया है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रॉफिट ऐसे थे। मुझे नहीं लगता है कि मेरा अल्लाह किसी को मारने और काटने की बात करेगा। मुझे नहीं लगता है कि मेरा अल्लाह किसी के बारे में ये कहेगा कि किसी के धर्म की बेटी का पजामा खोलो और उसकी इज्जत को तार तार कर दो। मुझे नहीं लगता है।
आज मेरी आंखें रो रही हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने ये खबर सुनी थी शोएब, मेरे आंख में सिर्फ मेरे बेटे की तस्वीर आ रही थी, मेरे आंख में मेरे बेटे की तस्वीर घूम रही थी। क्योंकि वो बच्चा जिसका जिसको काटा है साजिद और जावेद ने, वो 11 साल का है और मेरा बेटा 13 साल का है। अब तो मैं अपने घर में किसी मुसलमान को घुसने नहीं दे सकती। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने इन शांति दूतों की पोल खोल के रख दी और बात की बदायूं केस के बारे में कि कैसे बेरहमी से दो प्यारे बच्चों का कत्ल कर दिया गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से इंपॉर्टेंट लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।